जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बावची के फायदे बताएंगे। आयुर्वेद के मतानुसार बावची रस में कटु, तिक्त, गुण में हल्की, रुक्ष, विपाक में चरपरी, प्रकृति से गर्म, बात पित्त कफनाशक, पित्त जनक, रक्त पित्त का नाश करने वाली, बाजी कारक, हृदय के लिए हितकारी होती है। ये ज्वर, कृमि, कुष्ठ, श्वास, बवासीर, खांसी, सूजन, पांडु रोग, बमन, दांत के कीड़े में बहुत गुणकारी मानी जाती है। वैज्ञानिक मतानुसार बावची के रासायनिक संगठन का विश्लेषण करने से पता चला कि इसके फल में उड़नशील तेल, स्थिर तेल, तारपीन की तरह का तेल, रवेदार पदार्थ, सोरलेन और आइसो सोरलेन पाए जाते हैं। बावची के बीजों से प्राप्त तेल सफेद दाग, दाद, खाज, मुहासों, झाई और चर्म विकारों में बहुत लाभदायक होता है। तो दोस्तों, अब हम इसके विस्तार से फायदे देख लेते हैं। सफेद दाग और कुष्ठ रोग अगर किसी को है तो वो बावची का प्रयोग कीजिए, शर्त या ठीक हो जाओगे। सफेद दाग को दूर करने के लिए बावची का उपयोग सदियों से होता आ रहा है। बावची के बीज और खाने वाले काले तिल संभाग मिलाकर पीस लें। एक चम्मच की मात्रा में ठंडे पानी से सुबह नियमित रूप से एक वर्ष सेवन करने और बावची का तेल सुबह शाम उस सफेद दाग पर लगाते रहने से रोग में पूरा लाभ मिलेगा। इस सेवन को करते समय आपको दोस्तों धैर्य जरूर रखना है, क्योंकि जो सफेद दाग का रोग है वो एक दिन में ठीक नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप देखेंगे शर्तिया आपका जो रोग है वो ठीक हो गया है। अगर आपको दांतों की पीड़ा होती है तो बावची का लाभ आप ले सकते हैं। बावची को दांतों के कीड़े मारने के लिए भी जाना जाता है। बावची की जड़ को पीस कर जरा सी मात्रा में भुनी हुई फिटकरी मिला लें। सुबह शाम इसका मंजन करने से दांत के कीड़े नष्ट हो जाएंगे, दर्द दूर होकर दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर खांसी है तो बावची का सेवन कैसे करना है, क्योंकि बावची खांसी ठीक करने के बहुत पुराने समय से दवाई मानी जाती है। इसके लिए आधा चम्मच बीजों का चूर्ण अदरक के रस के साथ दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से खांसी में आराम मिलेगा, कफ ढीला होकर निकल जाएगा। अगर दस्त और पेचिश है तो उसमें भी बावची का सेवन कीजिए, बहुत फायदा होगा। बावची को पेट के रोगों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यदि किसी को दस्त लग गए हों या पेचिश की शिकायत है तो इसका प्रयोग कर रोग से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन बच्चों पर इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ये हमारी आपसे गुजारिश है। दस्त या पेचिश रोग होने पर बावची के पत्तों का साग, दही और अनारदाने के साथ सुबह शाम सेवन कराएं। इसका सेवन करने से रोग जल्दी ठीक हो जाता है। मुहासे, दांत, खाज, खुजली के लिए भी बावची बहुत लाभकारी होती है, क्योंकि दोस्तों ये त्वचा के रोगों को ठीक करने की प्रतिनिधि दवाई मानी जाती है। इसके बीजों का तेल त्वचा रोगों में लाभकारी होता है। मुहासे और दांत खाज रोग को ठीक करने के लिए बावची के बीजों का तेल सुबह शाम नियमित रूप से कुछ हफ्ते तक लगाते रहने से बहुत लाभ मिलेगा। 1 महीने में पुराने से पुराना रोग ठीक हो जाएगा। अगर पीलिया है तो पीलिया में बावची का चूर्ण बेहद लाभकारी होता है। पीलिया रोग को ठीक करने में बावची का बड़ा फायदा होता है। बावची के बीजों का प्रयोग इस रोग को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए 10 मिलीलीटर पुनर्नवा के रस में आधा चम्मच पिसी हुई बावची के बीजों का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम रोजाना सेवन करिए, लाभ होगा। बवासीर के लिए कैसे सेवन करना है, क्योंकि बवासीर में बावची बहुत उपयोगी होती है, बावची के बीज इसमें काम आएंगे। इसमें क्या करना है, हरड़, सौंठ और बावची के बीज संभाग मिलाकर पीस लें। आधा चम्मच की मात्रा में गुड़ के साथ सुबह शाम रोजाना सेवन करने से लाभ मिलेगा। यह आपको लगभग 1 माह तक इस्तेमाल में लाना है। आप देखिए कितना फायदा आपको मिलेगा। यदि 1 माह में पूरी तरह से ठीक ना हो तो आप इसे आगे भी इस्तेमाल करें, जब तक कि आपका रोग पूरी तरह ठीक ना हो जाए। जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।